संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के न्यूज चैनल में स्वागत है और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल से जुड़ने वाले, इसको सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं टीना चौहान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे प्रोग्राम से जुड़ने वाले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम गरीबों, मजलूमों और महापुरुषों की बात करते हैं। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है सारे विश्व के लोगों की आवाज। आज के प्रोग्राम में हम अपनी पिछली जर्नी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। हमने संविधान के बारे में जाना, संविधान क्या होता है, संविधान की पृष्ठभूमि को जाना। अब हम संविधान को और अच्छे से समझने के लिए इसके अगले पड़ाव पे जाएंगे और संविधान की चर्चा में सबसे पहले बात आती है प्रस्तावना की। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, हम प्रस्तावना को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का प्रतिबिंब है। तो हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों को मैं इसके लिए बहुत अच्छे से आमंत्रित करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है और संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान के बारे में क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि संविधान को प्रस्तावना को संविधान का प्रतिबिंब कहा जाता है, लेकिन संविधान किस प्रकार से संविधान को प्रतिबिंबित करती है उसको जानने के लिए हम सबसे पहले हमारे साथ जुड़े मिलिंद वानखेड़े जी, आपसे इसके संदर्भ में विचार चाहेंगे। जी सर, संविधान की जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मैडम, ये संविधान की जो भावना है यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उद्देशिका का मतलब ये है कि हम संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हासिल करना चाहते हैं। तो इसमें जो शब्द आए हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो जिसमें जस्टिस में भी खाली एक जस्टिस में भी सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी में भी क्या है, लिव थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब इसको आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करने वालों ने उसका ट्रांसलेशन गलत किया है, वर्शिप को उन्होंने धर्म शब्द जोड़ दिया है जबकि वो चीजें नहीं है। इसी तरह से इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब है कि जो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है कि उसकी क्या स्थिति है, और फ्रेटर्निटी जो बंधुभाव जो हम बोलते भाईचारा, ये जो स्थिति है, ये जो सारी वैल्यूज है, मूल्य है, इसको स्थापित करने के लिए क्या क्या चीजें, एक्ट, कानून और व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, उसको लिए सारा जो ऑब्जेक्टिव है आने जो सारे आर्टिकल्स में जो जाएंगे, एक से लेकर जो पूरे आर्टिकल है संविधान के, तो वो उसमें दिया गया है। तो यही मेन चीज है। और दूसरी बात है कि ये इसकी शुरुआत कैसे की जाए, जब बातें होती तो यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ हिंदुस्तान नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं इसलिए ये शब्द कह रहा हूँ, इंडिया की बहुत सारी जो चर्चाएं होती है आज को, उसको गलत फहमियां होती है लोगों में, जबकि इसी संविधान के पहले ही आर्टिकल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका डेफिनेशन लिखा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसी में लिखा है, क्या लिखा है आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत, लोग इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, तो इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब ये लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए बनाया हुआ एक संविधान है। आप लोग सोचते थे ना, जब संविधान सभा में इस तरह की बात उठी तो भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, इसके नाम से क्या होना चाहिए, तो इसमें कुल मिला के सारे लोग जो है इंसान जीत गया, बहुत लोगों में चर्चा होती सोशल मीडिया में भी, तो यही बात है। केवल इतना ही फिलहाल जो आपने पूछा, तो ये जो बहुत एक शब्द उस समय भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने पूछा था संविधान सभा में, ये जो शब्द है अभी तीन चार जो शब्द डाले तो लोग कहते थे कि आपने फ्रांस की क्रांति से ये शब्द लिए हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे कि नहीं नहीं नहीं, ये फ्रांस की क्रांति से मैंने ये शब्द नहीं लिए, ये इंडिया से ही है, भारत से ही है, और इसका जो गहरी मतलब जो जड़ें हैं वो बुद्धिज्म में है, उद्धार के सिद्धांतों में इसकी जड़ें हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित, और वैसे भी विचारों पर किसी का पेटेंट नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो विचार बुद्धा ने दिया, बुद्धिज्म धर्म से नहीं है, विचार है उसमें, रिवॉल्यूशन से, तो उनका कहना था कि फ्रांस की क्रांति तो बाद में हुई, ये उत्पत्ति वहां से हुई, ये है। आप भी गलत अर्थ में उसका
क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन गलत ना करें, ये जो विचार है, रिवॉल्यूशन है, ये किसी उसको किसी रिलीजन या उसमें ना ढाले तो ज्यादा बेस्ट है। तो उनका ये कहना था कि ये भारत के ही विचार है जो दुनिया में फैले। जी वानखेड़े जी, अब इसी संदर्भ में कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के बारे में हमें क्या बताती है, इसी पर हम अपने अगले मेहमान विनायक शाह जी से उनके विचार चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ में एडवोकेट्स जुड़े हैं जो कि हमारी ऑडियंस को और हमको ज्ञान की धारा के साथ ले जाएंगे और एक सही ऑथेंटिक नॉलेज की तरफ जनता को बता सकेंगे। तो क्या बताती है ये प्रस्तावना हमें संविधान के बारे में विनायक शाह जी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो जी, मेरी आवाज आ रही है? चाहूंगी कि वो भी अपने ऑडियो और वीडियो को खोल के रखे ताकि आपसे भी प्रश्न पूछा जा सके। जी मैडम, टीना मैडम जी, आपको और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आपने जो संविधान सीरीज चला रखी है इसमें हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। देखिए, आज आपने विषय रखा संविधान की उद्देश्य का, प्रियम्बल जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, उद्देश्य क्या बोलते हैं कि हमें क्या बताती है। जब कोई भी काम आदमी करने चलता है तो उस काम के पीछे उद्देश्य क्या होता है, क्यों कर रहा है उसको, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जो संविधान लिखा गया तो संविधान लिखा क्यों जा रहा है, संविधान वो लिखने वाले क्या करना चाहते हैं, तो उन बातों को उन्हें प्रस्तावना में अपने लिखा कि हम इसलिए संविधान लिख रहे हैं वो बताने के लिए कि वास्तव में हम जो देश का निर्माण करेंगे और उस देश के निर्माण में हम क्या क्या चाहेंगे, तो उन सारी बातों को संक्षेप में उद्देश्य में उन्होंने लिखा। इससे आदमी को समझने में सहूलियत हो कि ये जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो क्या चाहते थे, वो किस तरह का संविधान देश को निर्माण करना चाहते थे। तो इस हिसाब से संविधान की उद्देशिका लिखी गई है। संविधान की उद्देशिका वास्तव में कहें तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि संविधान का ये पार्ट नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं संविधान का ये पार्ट है। ठीक है, संविधान के जो शुरू होता है वो आर्टिकल 1 से शुरू होता है, ये आर्टिकल के पहले दिया गया है। ये उन उद्देश्यों को बताता है कि इस उद्देश्य से लिखा गया है, जो लिखा गया है वो वही पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां कहीं पर अगर कंफ्यूजन हो किसी को अर्थ में कि वास्तव में इन शब्द का क्या अर्थ हो रहा है, क्यों ऐसा लिखा गया है, तो वहां पर प्रियम्बल देखा जाता है। ये प्रियम्बल जो किन उद्देश्यों को लेकर लिखा गया है, फिर उन उद्देश्यों की पूर्ति इसका किस तरह अर्थ लगाएंगे उसकी पूर्ति होगी। अगर दूसरा अर्थ जो उसके नजदीक हो, दूसरा उसके दूर हो, जो उसके पास में हो उद्देश्यों को, वो अर्थ को लिया जाता है। तो प्रियम्बल का ये मतलब होता है। और जैसे कि आपने इसमें एक और चर्चा को छेड़ा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संविधान का भाग है, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये इस पर बहुत बार सर्वोच्च न्यायालय में भी फैसले गए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी बदले हैं। जैसे बेरुबाड़ी का जो केस हुआ था तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर बाद में अलग अलग केसेस में उनकी व्याख्याएं बदलती गई। तो वर्तमान में प्रस्तावना की का क्या स्टेटस है, यानी कि अब ये संविधान का भाग है या नहीं है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा, क्या कहता है वो अपने जगह एक है, वहां पर जजों की समझ है। संविधान का प्रस्तावना संविधान का अंग है, वो संविधान से अलग नहीं है, उसके उद्देश्य को लिखा गया है। लेकिन जो हमारे आर्टिकल होते हैं, जो उसमें क्या किया जाएगा, जो बारीकी एक एक चीज बताई गई है उसकी, जो काम किया जाएगा, वो आर्टिकल 1 से शुरू होता है और हम जो है लास्ट तक जो है और मैं गलत नहीं हूं तो 392 आर्टिकल तक जाती है। उसके बाद अनुसूचियां आती हैं, शुरू में 7 अनुसूचियां थी और बाद में उसमें जो है जुड़ते जुड़ते आज जो है 12 अनुसूचियां जुड़ी जा चुकी हैं। तो पूरा संविधान वहां तक है। अब इसका अंग है नहीं है, देखिए अब वही मैं बता रहा हूँ, इस संविधान में आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स के ऊपर काम होता है। जैसे कोई भी राष्ट्रपति का हमारे यहाँ जो पद है और हाई कोर्ट का स्थापना है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, पार्लियामेंट की स्थापना है, अलग अलग आर्टिकल्स में दिए गए हैं। और जो आर्टिकल्स दिए गए हैं जो उसमें अधिकार, जैसे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, उनके हमको क्रियान्वयन करने के लिए उन धाराओं से कार्यवाही करते हैं। प्रियम्बल के तहत कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं होती है,
तो इस हिसाब से कुछ लोगों का कहना है, चूंकि आर्टिकल एक से शुरू हो रहा है, आर्टिकल के पहले है, तो ये संविधान का अंग नहीं है। और जो ये कहते हैं कि संविधान का अंग है, उनका कहना है कि चूंकि जब संविधान शुरू होता है उसके आप अलग थोड़ी कर सकते हो, तो उद्देश्य उसी में लिखा गया है। तो देखिए अपनी जगह दोनों है, वो संविधान में है, उससे कोई अलग नहीं कर रहा है, कोई उसको अलग मान ले या उसको मैं उसके साथ में मान ले, किसी को अलग करने का किसी के पावर नहीं है, ना किसी को आर्टिकल के अंदर ले जाने की कोई कर सकता उसको। वो अपने जगह पे है, अपनी अपनी विचार है, कोई कभी कहो हो सका सुप्रीम कोर्ट अगली बार अभी कह रहा है पार्टी अंग है, कभी दूसरी कानूनी अंग नहीं है, क्योंकि इसके तहत कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं वो लगाया जाता है। हम लोग इससे कार्रवाई करते हैं, हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं आर्टिकल 226 में लगाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत लगाते हैं, लेकिन फंड ये क्या कहते हैं उद्देश्य के तहत कोई याचिका नहीं लगती है। तो इस हिसाब से कोई कह सकता है भाई ये संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि इसमें जो अधिकार लिखे गए हैं आप उसके लिए उसका पालन नहीं करा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है संविधान का अंग नहीं है, ये अपने अपने विचार हैं लोगों के, हो सकते हैं। अब हम अगले मेहमान का रुख करते हुए उनके विचार भी इस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम अलग अलग लोगों से यानी कि इतने पढ़े लिखे लोगों से जब चर्चा करते हैं तो अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलते हैं समाज में भी, और उसका ही जो समाज है वो प्रतिबिंब बनता है फिर। तो हम अगले मेहमान महिपाल जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के बारे में क्या बताती है और उसका महत्व क्या है। जी महिपाल जी। मैडम प्रस्तावना जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हमारे दोनों मित्र साथीगण सीनियर दोस्त है हमारे, मिलिंद वानखेड़े जी, विनय कुमार साहू साहब, दोनों ने प्रस्तावना पे काफी कुछ बताया है। थोड़ा सा बारीकी से मैं भी बताना चाहता हूँ कि प्रस्तावना में अभी तक जो संशोधन करा है इन्होंने वो एक बार संशोधन हुआ 1976 में। इसमें 97 शब्द है प्रस्तावना में, उद्देशिका में। दूसरा जी, भारत शब्द जो है इसमें दो बार आया है, ठीक है। आपने दूसरा इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया, लैंडमार्क जजमेंट है वो 1966 में दिया था, हेनरी बेरुबारी वाला, इसमें कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं, मैंने जो पढ़ा है 1966 है, मैं एचजेएस एडीजे की तैयारी भी करता हूँ तो थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, तो ठीक है उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में फिर कहा केशवानंद भारती में कि संविधान का भाग है उद्देशिका, है दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों जजमेंट में, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने लगाया कि मेरी रक्षा की जाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यायाधीश जातिवादी ब्राह्मणवादी बैठ जाते हैं तो वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं संविधान का, प्रस्तावना का, है ना, आर्टिकल का। तो उन्होंने जब जैसा बैठ गया जिस मानसिकता का, उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर दिया प्रीएम्बल का। तो जबकि ऐसे में संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, महत्व पर आपको रखना है आपके विचार। संविधान का महत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के, प्रस्तावना में पूरा संविधान उन्होंने इंक्लूड कर दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, पूरा संविधान प्रस्तावना में कंक्लूड है। मतलब जैसे अभी बताया हमारे साथियों ने, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, है ना, ये सारी चीजें संविधान के जितने आर्टिकल जो बताए हमारे साथी ने विनय कुमार साहू जी ने, इसमें 392 आर्टिकल हैं, और 392 आर्टिकल जो है वो पूरा इस पे काम होता है ना। टोटल आर्टिकल 395 है, अब 395 है, बाकी जो आर्टिकल 393 है उसमें संक्षिप्त नाम है, 394 में प्रारंभ है, 394 काम है, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है, 395 में निरसन कर दिया उसका, जो 12 अनुसूचियां है वो उसमें डाली गई है, जो 22 भाग जो डाले है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान। प्रस्तावना का महत्व जानना चाहते हैं आपसे। प्रस्तावना में जैसे न्याय शब्द है, तो भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए जी,
संविधान उसके लिए रक्षा के लिए बैठा है, तो उसके लिए अभी हमारे मित्र ने याचिकाएं बताया कि 132 में सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपके उल्लंघन होते हैं, है ना, 226 में आपकी हाई कोर्ट में डाली जाती है कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो ये प्रीएम्बल में इन चीजों को न्याय जैसे स्वतंत्रता है, तो आपकी स्पीच है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, आप भारत में आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी घूम फिर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं, तो ये प्रीएम्बल में आ गया, उसका पूरा निष्कर्ष उसमें दे रखा है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, भाईचारा, हर धर्म की रिस्पेक्ट हो, हर धर्म आदमी माने भारत का व्यक्ति, है ना, किसी धर्म जो जिसको मानना है किसी पर धर्म ना थोपे, तो ये पूरी प्रस्तावना में सारी चीजें दे रखी है। तो इसका महत्वपूर्ण जो रोल है वो बहुत ज्यादा है लोगों के लिए, तो ये भारत का संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, इसको अलग थोड़ी ले जा सकते किसी सब्जेक्ट में, उसकी आर्टिकल हो, धारा हो, सब्जेक्ट हो, है ना, उसके भाग हो, वो टोटल उसके संविधान में वो चीजें प्रीएम्बल में चीजें। अब हम दूसरे मेहमान की तरफ रुख करते हुए डॉक्टर उमेश जी से प्रस्तावना का महत्व जानने का प्रयास करते हैं, वो प्रस्तावना के महत्व को किस प्रकार से देखते हैं, हमारी ऑडियंस को किस प्रकार से समझाना चाहेंगे। जी डॉक्टर उमेश जी। मैडम मेरा कुछ इस पे ज्यादा तैयारी नहीं है, पर मैं जितना समझता हूँ कि जो संविधान में हमें दी गई चीजें, उस लक्ष्यों को जो हम लेना चाहते हैं, जो उद्देश्य है उसके, उसको प्राप्त करने का जो प्रीएम्बल है वो एक तरीका है कि उसकी तरह हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी तो आप लोग सब समझते ही हैं, लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है संविधान में, जो प्रीएम्बल में है, जो हमारे लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए, यही उसका महत्व है मेरे हिसाब से। जी मैं अगले मेहमान परमानंद शाहू जी से भी चाहूंगी कि वो भी अपने विचार प्रस्तावना के महत्व पर रखे, क्योंकि प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का, और इसको संविधान 93 का जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का केस आया था केशवानंद भारती, उसमें कहा भी गया था कि ये प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, चाहे जस्टिफेबल नहीं है लेकिन ये अंग है। तो परमानंद साहू जी, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, इस प्रस्तावना के महत्व पर? आपका माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। परमानंद साहू जी। जी नमस्कार सभी। जी सर। विद्वान जन मित्रों को मेरा नमस्कार। आज के इस जूम मीट में हम लोग एक विशेष चर्चा के लिए बैठे हैं, ये आपने इस चर्चा में हम सब लोगों को आमंत्रित किया, विशेषकर हमें आमंत्रित किया, इस बात के लिए भी धन्यवाद। और आज का जो विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो संविधान की प्रस्तावना है, और संविधान की प्रस्तावना पर अभी आपका जो प्रश्न था मूलतः वो ये था कि संविधान की जो उद्देशिका है इसका अब क्या भाव है, इसमें ये क्यों रखी गई होगी, जहां तक मेरा ये वो है, प्रस्तावना का महत्व क्या है। जी मैं समझता हूं कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें एक योजना बनानी पड़ती है, चाहे वो हमें अपने करियर के लिए हो, चाहे हमें अपने राष्ट्र के लिए हो, चाहे हमें अपने परिवार के लिए हो, तो उस योजना के अनुरूप ही हम कार्य करेंगे, ऐसा सोच करके आगे बढ़ते हैं। तो पहले योजनाएं बनाई जाती हैं, योजना के लिए क्या क्या बिंदु होंगे ये निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, उस समय हमारे देश में कोई विशिष्ट रूप से जो एक सार्वभौमिक कानून नहीं था, जो जैसे मनमाने तरीके से अपने मनमर्जी से कानून बनाते थे और चले जाओ उसके अनुसार राज्य का संचालन करते थे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए संघर्ष करने वाले हमारे जो अग्रज थे महामहिम, जिन्हें हम बड़े श्रद्धा से
बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने संविधान बनाने का जिम्मा लिया और संविधान की रचना की। सबसे पहले उस पर ये विषय चर्चा में आया कि हम संविधान क्यों बनाना चाहेंगे, तो उन्हीं बिंदुओं को इस संविधान की प्रस्तावना में रखा गया। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अंग्रेजी में अगर देखें तो प्रियम्बल कहा जाता है और हिंदी में देखें तो उपदेशिका कहा जाता है। प्रियम्बल का भी अर्थ होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, प्री से तात्पर्य है कि हमें मुख्य काम करने से पहले क्या तैयारी करनी है, ये प्री होता है, प्रियम्बल हुआ। उपदेशिका का अर्थ अगर समझा जाए तो जोड़ना चाहूंगी एक और प्रश्न कि जो संविधान बन चुका उसके बाद में संविधान की उद्देशिका को इसमें शामिल किया गया, जहां तक मेरा मेरा मतलब संज्ञान है। आपका सवाल बहुत जायज है, आपका सवाल बहुत जायज है कि ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि ऊपर की संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ते पढ़ते जब हम लास्ट में आते हैं तो वहां पर ये लिखा गया है कि इन सबको व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को हम इसे आत्मभूत, अनुग्रहित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा लिखा है। अर्थात कि संविधान की प्रस्तावना को संपूर्ण करने के बाद मुख्य जो हमारा उद्देश्य था, असल पर संविधान की प्रस्तावना का निर्माण पहले ही हो गया था, तभी तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के निर्माण के पहले ही इस प्रस्तावना को संविधान सभा को सौंपा था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान की प्रस्तावना का निर्माण संविधान निर्माण के बाद में हुआ। तो अगर ऐसा होता तो 21 नवंबर या कुछ ऐसी तारीख थी जिसमें संविधान की प्रस्तावना को हमें उस संविधान निर्माण समिति जो थी उसको सौंपा गया था कि हमें इस उद्देश्य को लेकर काम करना है, उसके अनुरूप संविधान का निर्माण देश की आवश्यकता के लिए किया गया। इसलिए वो प्रस्तावना इस बात पर महत्वपूर्ण है कि संविधान में आगे हमें क्या करना है, देश की हमारी क्या आवश्यकता है, देश के नागरिकों को हम किस तरीके से एक सार्वभौमिक और एक सुरक्षित स्तर पर पहुंचाएंगे, देश की हमारी सार्वभौमिकता कैसे बनी रहेगी, इस उद्देश्य को लेकर के उद्देशिका का निर्माण किया गया। तो आगे क्या काम करना रहता है ये हमें हमेशा अपने उद्देश्यों के अनुसार चलने के लिए करना पड़ता है और वही संविधान के निर्माण में किया गया। इसमें जो मूल बिंदु ये रखे गए, सबसे पहले समय कैसा देंगे इस बात पर आप बता दीजिएगा, संचालक महोदय से मेरा ये निवेदन है कि ठीक है, आपने महत्व पर चर्चा कर ली, अभी हम कुछ आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार ये सीरीज का उद्देश्य बता देती हूँ जिससे कि हमारे श्रोतागणों को संविधान के बारे में जानकारी मिले और जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो पढ़े लिखे जो संविधान के जानकार हैं, वो अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। तो हमने कुछ एपिसोड्स में ये देखा कि संविधान क्या होता है, संविधान की विशेषताएं, और संविधान के बारे में हमने ऊपर से संविधान का ओवरव्यू लिया। फिर अब संविधान को जानने के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं, जिसमें हमने संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसका महत्व क्या है और वो हमें संविधान के बारे में क्या बताती है ये जाना। अभी श्रोतागण इस संविधान की प्रस्तावना को जानते हैं या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन हम सब इसको संविधान की प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो मैं इसमें आपका अपना विचार, केवल इतना सा छोटा छोटा सा सबके विचार इसमें जानना चाहूंगी कि क्या आपको ये लगता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ कमी है, या फिर आपके विचार से उसमें कुछ और चीज ऐड होनी चाहिए थी, और वो अगर ऐड होना था तो वो क्या होना था। बस ये आपका मेरा क्रिएटिव प्रश्न आपसे है कि आप अगर कुछ चाहें तो अपने विचार रख सकते हैं। मैं सबसे पहले परमानंद जी आपसे ही चाहूंगी, आप इसमें संक्षिप्त में अपना जवाब। संविधान की जो प्रस्तावना है, जहां तक मेरा विचार है कि जो इसमें निर्माण के संविधान का जब निर्माण हुआ, जब प्रस्तावना हमें समर्पित की गई, संविधान समिति को दी गई, उस समय उसमें कुछ कमियां थी, ये बात सही है, और परिस्थितियां ये थी कि वो शब्दों को उन परिस्थितियों को उस समय जोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए वो कमियां छोड़ी गई थी, और बाद में उन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में उन संशोधन को 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में वो पूर्ति की गई। पूर्ति के पश्चात अभी तत्कालीन स्थिति में अगर इससे छेड़छाड़ ना की जाए, अगर तो ये परिपूर्ण स्थिति में है, देश में हमारी जो आवश्यकताएं हैं
मूलभूत सिद्धांत जो हमें आवश्यक रूप से हमारे विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यकताएं, वो हमारे संविधान के उद्देश्य का परिपूर्ण करती है। इसलिए इसमें ऐसी कोई विशेष और संशोधन करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और ना तो इसमें से आवश्यक चीजों को हटाने की आवश्यकता है। विशेष बात यह भी है कि हम इसमें से कुछ चीजें ऐसी जो अभी सोच ऐसी हमारी सरकारों की आ रही है जैसे कि कुछ चीजें हटा दी जाए, वो भी एक उसके स्पेस बनाएंगी, वहां वो फिलअप नहीं कर सकती, इसलिए उसमें छेड़छाड़ करने की अब तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं है। तो ये रचनात्मक प्रश्न पूछने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये भी समाज को पता चले, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट और समाज के कुछ पढ़े लिखे वर्ग से जुड़े होने के ये नाते हमारी ये धारणा है कि संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन की जरूरत नहीं, इसमें कोई और चीजें ऐड करने की अभी आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, ठीक है। इस पर ही मैं विनायक शाह जी आपसे भी अपने विचार चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं इसी विषय पर संक्षेप में बताएं। जी मैडम, इसमें जो है संविधान की उद्देशिका में, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपका कहना है कि संविधान की उद्देशिका में क्या कुछ कमी है, क्या उसको और कुछ जोड़े जाने की जरूरत है या पर्याप्त है, नजरिया उस पर क्या है? तो हमारा इसका नजरिया क्या है कि हमारे हिसाब से संविधान वो पर्याप्त है और उसमें जो लास्ट में जो शब्द लिखा गया है कि दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में, उसकी अब जरूरत नहीं रह गई, एडॉप्ट हो चुका है, अगर उसको हटा दें तो चलेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी वो सब सही है संविधान का प्रस्ताव। जी मतलब आप ये कहना चाहते हैं या फिर हम उसको रहने दें और जैसे ये है कि हम आज लिखा है उसमें वो हटा देने से रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम उसको संविधान को स्वीकार कर चुके हैं 1949 में हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया है और आज पूरे भारत के देश के लोग उससे गवर्न हो रहे हैं, तो उसके आगे वाले जो लिखा गया उसको जो लास्ट पैरा है निश्चित संकल्पित होकर इस संविधान सभा, तो इसको अब जरूरत नहीं है, उसको हटा देना। जी सर, अब हम इसी पर महिपाल जी आपके विचार चाहेंगे, संक्षेप में अपनी बात को रखिए। जैसे सर ने बताया कि वो लास्ट वाली लाइन की अब इतनी उसको चेंज किया जा सकता है और ऐसे परमानंद जी के विचार थे कि उसमें किसी चीज को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपके क्या विचार है संक्षेप में बताएं। मैडम संविधान जी, जब संविधान बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल, आपका माइक बंद हो गया जी, प्रस्तावना में उन्होंने धर्म नहीं डाला था बाबा साहब ने, और ना ही ये समाजवादी जो शब्द डाला इसमें 1976 में 42 पे संशोधन करा था कांग्रेस ने, तो दोनों चीजें कांग्रेस की सत्ता आई तो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें दो चीजें डाल दी, तो भैया आपने चलो डाल दी कि धर्म निरपेक्ष रहेगा, पंथ निरपेक्ष जो शब्द डाला इनने और समाजवादी, तो बाबा साहब की जो ब्रॉड थिंकिंग थी उन्होंने इस देश को जातिवाद को खत्म करना चाहते थे और जिसको जो धर्म मानना माने, तो उन्होंने ये दो ही शब्द प्रेम्बल में नहीं डाला, पूरा भारत ही एक समाज है, तो कांग्रेस ने अपनी सोच के हिसाब से चीजें दो चीजें डाली इन्होंने, अब इसमें ठीक है डाली उन्होंने पंथ निरपेक्ष जिसको हम धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने इस पंथ निरपेक्षता का पालन किया आज तक, क्या बीजेपी ने करा इसका, दोनों ही सर जी विचार बस इतना, वो बातें अपन करेंगे लेकिन अभी बस इतना जानना है कि आप क्या चाहते हैं संविधान में, क्या वो दो शब्द हटा देना चाहिए प्रस्तावना से? अब आ भी गया है तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है, लोगों को समझ में आ गया, लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये दो चीजें नहीं थी इसमें तो हमने डाल दी, चलो ठीक है वो दिख गया लोगों की समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तो ठीक है वो भी ठीक है, तो जरूरत नहीं प्रेम्बल को उसमें अमेंडमेंट करने की या हटाने की, जो है वो बहुत पालन करने की जरूरत है। ओके, मिलिंद वानखेड़े जी आपके विचार भी इस पर क्या है, आपके विचार भी जानना चाहेंगे। जी सर, अभी जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो एज इट इज है वो सफिशियंट है, ज्यादा छेड़छाड़ कमी या जोड़ने घटाने से कुछ होने वाला नहीं है,
मेन बात है उसका एजुकेशन पार्ट, एडॉप्ट तो हो गया, सारी चीजें स्वीकार हो गई, और ये सारी चीजें उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, 26 नवंबर 1949 को ही कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो सही हाथों में है तो उसकी सही चीजें हैं, वो सही साबित होगा, अच्छा माना जाएगा लोगों की नजरों में। अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी बातें लिखी हो, और गलत हाथों में है और एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो बदनामी संविधान की होगी। ये बात का इंडिकेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय दे दिया था, इसलिए वो एज इट इज ही होना चाहिए, उसमें कोई ज्यादा छेड़छाड़ की नहीं। ठीक है सर, हमने हमारे जानकारों से चर्चा के माध्यम से ये जाना कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और एक मेहमान ने हमें ये भी बताया कि उसमें कुछ ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ा संशोधित कर सकते हैं या वो उसकी जरूरत में नहीं आता है। तो ये सवाल मेरा प्रस्तावना की चर्चा से पहले इसलिए था ताकि हम संविधान की परत, प्रस्तावना की परतें खोले और उसको समझे, श्रोतागण हमारे सुने, उसके बाद जब हम लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचे तब क्या हम सोचते हैं, तब हम कुछ बदलाव आता है हमारी सोच में या नहीं, इसके लिए ये प्रश्न था। डॉक्टर उमेश सर, आप भी अगर इस पर कुछ कहना चाहे तो आपने विचार रख सकते हैं। नहीं, मैं भी सभी की राय से सहमत हूँ, क्योंकि प्रीएम्बल में चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा है, और इसको आप बार बार चेंज करेंगे तो फिर आने वाले लोग अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन जी। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की शुरुआत की। तो जैसे प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना यहाँ से शुरू होती है। मैं आपको ये बता दूं, जैसे प्रस्तावना में हमें चार चीजें जानने को मिलती है, एक तो संविधान का स्रोत, तो वो यहाँ लिखा गया हम भारत के लोग। फिर उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें संविधान, हमारे भारत की जो गणराज्य है उसकी प्रकृति जानने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमें न्याय, स्वतंत्रता वगैरह ये चीजें देखने को मिलती है, तो मतलब हमें हमारे लक्ष्य देखने को मिलते हैं और उनकी प्राथमिकता के क्रम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में चौथी चीज हमें ये देखने को मिलती है कि ये कब अडॉप्ट किया हमने। तो सबसे पहले हम पहले भाग में हम भारत के लोग से शुरुआत करते हैं। तो ये ऐसा क्यों लिखा गया, इसका क्या महत्व है, क्या ये सचमुच में भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है, इस पर हम विचार चाहेंगे मिलिंद वानखेड़े जी आपसे। स्टार्टिंग में ही आपने जब मैंने ये सब शब्द बोला था तो वो समय ही ये मैं कुछ बात बताने वाला था ना कि ये शुरुआत कैसे करेंगे। संविधान सभा में प्रश्न आया था, पार्लियामेंट्री डिस्कस और डिबेट में इसके कॉपी इस पर डिबेट हुआ था, जो सदस्य थे संविधान सभा के उन्होंने कहा था कि भाई ये कोई अल्लाह के नाम से शुरू करे, कोई बोले गॉड के नाम से शुरू करे, किसी ने कहा ईश्वर के नाम से शुरू करे। तो इस पर आर्गुमेंट किया कि हम लोग भारत को जो अभी तक जो चला आ रहा था ना, भारत की जो सिस्टम चला आ रहा था वो एक प्रकार से राजशाही चलते थे, हम डेमोक्रेसी में प्रवेश करने जा रहे जिसको लोकतंत्र बोलते। तो उन्होंने कहा तो ये तो जनता का, जनता के लिए है, तो इसलिए ना कोई ईश्वर की बात है, तो भाई दूसरे व्यक्ति जो अल्लाह को मानते हैं या जो क्रिश्चियनिटी में गॉड को मानते हैं या जो भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, सभी तरह के जो लोग हैं, तो इसलिए लोगों की बात होनी चाहिए। तो इस पर सहमति बनी, उसमें वोटिंग हुई और इसलिए वो जो शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए वो शब्द अडॉप्ट किया गया, बहुमत से अडॉप्ट किया गया और स्वीकृति के बाद फिर चीजें आगे बढ़ी जी। परमानंद जी, आपको क्या लगता है कि ये भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है, क्या सचमुच भारत के लोग यही सोचते हैं? हम भारत के लोग से जब शुरुआत होती है और ये सारी चीजें हम लिखते हैं, संविधान में पढ़ते हैं, तो भारत के लोगों की ही अभिव्यक्ति है ये, परमानंद जी? जी, जैसा कि अभी आप कहिए, एक विषय चर्चा का विषय है कि संविधान की शुरुआत में हम भारत के लोग से ही होने का क्या अभिप्राय है। तो इस संबंध में मेरा ये विचार है कि यह है जो संविधान बना, जो भारत के जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया गया और जिस उद्देश्य से किया गया, वो वास्तव में उद्देश्य भारत की जनता के लिए था। वो किसी व्यक्ति विशेष या राजा या महाराजा या किसी एक मंत्री मिनिस्टर के लिए नहीं, भारत की जनता को किस प्रकार से व्यवस्था चाहिए और इसका निर्माण भी भारत की संसद के द्वारा किया जाना,
जिस समय उस पर जो संविधान सभा थी उसको अभी हम संसद बोलते हैं, तो संसद के द्वारा अर्थात भारत के लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण किया जाना, इसलिए इसके लिए भारत, हम भारत के लोग शब्द जोड़ा गया और भारत के लोगों के लिए था, भारत के लोगों के की व्यवस्था के लिए था, इसलिए वो वास्तव में प्रस्तावना के पर जो पहला शब्द संविधान पर जोड़ा गया, तो शुरुआत की गई कि हम भारत के लोग से, वो वास्तव में भारत के लोगों के लिए है, वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए या एक सार्वभौमिक सत्ता वाले व्यक्ति के लिए नहीं, तो वो भारत के लोगों के लिए है और ये इसका उद्देश्य ही भारत के लिए है। संविधान का उद्देश्य भारत के लोगों को व्यवस्थित करने के लिए संसद के द्वारा निर्माण किए जाने पर। विनायक जी, जैसे कि हमने प्रस्तावना का महत्व देखा, वैसे ही ये हम भारत के लोग का क्या महत्व है? जी टीना मैडम, क्या है, हमारा जो मूलतः जो कानून आया है आज इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड के जब यहाँ शासक आए हैं, उनने जब चर्चा बातचीत करने की सिस्टम स्थापित किया है लोकतंत्र, तब इधर आया है। इसके पहले हमारे यहाँ धर्म का राज चलता था, भगवान का माना जाता था, ठीक है। इंग्लैंड में भी जो सिस्टम था, आप अगर उस समय का देखेंगे तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एक मिनट में आपसे, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं जो आप पूछ रहे हैं, इंग्लैंड से आए हैं लोकतंत्र। इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में लोकतंत्र है, वहां पर देखिए रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी है, समझ लीजिए थोड़ा सा, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर है थोड़ा सा। वहां पर रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी है, वहां राजा का राज्य होता है लेकिन लोकतंत्र है। वहां पर जो है, जो कोई भी शब्द लिखा जाता, कोई भी नियुक्त करता था राजा वहां पर, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट, हिज मेजेस्टी से वहां से शुरू होता था कि हिज मेजेस्टी क्या करना चाहती है। यहाँ पर जो संविधान में बनाया गया है, उस समय राजा लोग चूंकि अलग अलग थे, वो तो अपना अलग चाहते थे, वो तो चाहते थे हमारा राज अलग चले, उनके साथ समझौता भी हुआ है, एग्रीमेंट हुए, बहुत सारी चीज हुए। बोले जो संविधान बना रहा है, कोई राजा नहीं बना रहा है, ना कोई गार्ड बना रहा है, कुछ बना रहे हैं, कि भारत के लोग संविधान बना रहे हैं, और कैसा बना रहे हैं, आगे बना रहे हैं, ठीक ना। तो वो जो सिस्टम था कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट क्या करे, वो शुरू होता था। तो यहाँ पर जो शुरुआत हो, बोला हमारा कोई गार्ड वोट नहीं, हम तो भारत के लोग कैसा चाहते हैं संविधान, वो बना रहे हैं। भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा बनाया गया था, सभी लोग शामिल इसमें नहीं थे, लेकिन लोगों के प्रतिनिधि थे इसमें, जो कि देश को रिप्रेजेंट करते थे। उसमें एक बात और है, एक बात आती है, जैसे आपने बात कहा कि वाकई में लोगों ने क्या बनाया है, क्या लोगों ने नहीं बनाया है, लोगों के प्रतिनिधि ने बनाया, जो लोगों ने जिनको चुना था, और उन प्रतिनिधियों ने लोगों के अनुसार ही देश चले, इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 368 संविधान को संशोधन करने का जो अनुच्छेद है वो जोड़ रखा है। अगर देश के लोगों को लगता है कि नहीं हमें संविधान बदलना है, तो जब चाहे बदल सकते, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आप लोग चर्चा करते हैं केशवानंद भारती का केस, उसने कह दिया कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं बेसिक स्ट्रक्चर, आज तक बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित नहीं कर पाया। उसको इतना कहना चाहिए कि जो भी संशोधन करोगे पब्लिक की इच्छा के अनुरूप है कि नहीं, इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वो झूठ अब क्या कहें, ठीक है उनको कुछ कहना अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आज तक वो बता नहीं पाए। बोले हम अलग अलग केस में देखेंगे। एक तरफ कहते हैं कानून अस्पष्ट होना चाहिए, कानून में कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, वो खुद ही डाउटफुल बना के रखे हुए हैं इस कानून को। तो क्या है, इस तरह से चल रहा है, देखिए बहुत सी खींचातानी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र बनाया, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी बनाया, ठीक ना। तो उसमें यह भी बताया कि अगर जिस समय मान के लिए आज लोगों को बना रहे हैं, आगे आने वाले लोगों को लगता है कि नहीं हमें संविधान में कुछ बदलना है, हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, हम तो पुराने लोगों के थोपे जा रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। डेमोक्रेसी तब होती है जब वो जो लोग रहते हैं वो तय करते हैं कैसा शासन होगा। तो इनने हमें पावर दिया संविधान निर्माताओं ने, जब आप हमारे लोगों को लगे कि नहीं हमें संविधान बदलना है तो बदल सकें, वो बदले न रहे भैया ये राजा का या किसी सर्वोच्च शक्ति का या किसी उसका ये हुकूम आर्डर है, हमें यही पालन करना है, वो अपने इच्छा के अनुरूप जो हमें लगे कि नहीं हमें ये चीज बेहतर है तो बदल सकते हैं, इसलिए उनको ये भी पावर दिया गया है। संविधान को चाहे तो पूरा बदल सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है, आर्टिकल 368 में कहीं भी कोई सीमा नहीं है कि कितना बदला जाएगा। इसके पहले जैसे आपने देखा बहुत से केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट नहीं बदल सकते, किसी ने कहा कि आप ये नहीं बदल सकते, वो नहीं बदल सकते, और अभी केशवानंद भारती की बात से एक नया भूत आ गया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर
कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही पता नहीं है, आज तक उनको पता नहीं बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो। कभी कहते हैं आर्टिकल 226 है, कभी कहते हैं क्या बोलते हैं कि वो प्रियम्बल है, किसी किसी जिसको मन किया उसको बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बोले इलेक्शन कमीशन बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये जिसको शब्द कहते हैं हमारे अनुसार उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर इतना है कि देश की जनता की इच्छा क्या है, वो किस तरह देश चलाना चाहते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब जब हम उद्देश्य का में हम भारत के लोक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस शब्द का क्या मतलब होता है, ये हम महिपाल जी आपसे इस पर अपने विचार लेना चाहेंगे आपके। जी सर माइक ऑन कीजिए आपका। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न जो डाला है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और संविधान सभा के सदस्यों कि भारत के जो लोग हैं अब दूसरे देश पे डिपेंड ना रहे, पूरी तरीके से वो संपन्न है अब कुछ भी अपने निर्णय लेने के लिए, अपने निर्णय खुद करेंगे, अभी संविधान के हिसाब से देश को चलाएंगे। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है। बाकी उसको आप और भी कुछ चीजें जोड़ सकते हैं कि हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, नहीं है तो इस संविधान के हिसाब से आर्थिक रूप से संपन्न बनेंगे। तो पूरी तरीके से डिपेंड अब दूसरे देश पे नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमने आगे इसको और रिसर्च करा पढ़ा तो ये देखा कि 99 साल के लिए देश को लीज पे दिया गया, जो भारत को 99 साल के लिए अंग्रेजों ने लीज पे दिया गया यहाँ के जो ब्राह्मणवादी लोगों को, कि हम आपको पूरी तरीके से आजाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है आप संविधान बना लो आपके हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलाइए। तो आज भी देखिए आप वो जो जनगण मन अधिनायक जो राष्ट्रगान है वो आज भी हम गाते हैं, तो किसके अधीन है आज भी हम, तो मतलब आज भी हम अंग्रेजों के इंग्लैंड के अधीन है, कहीं ना कहीं चल रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो ये चीजें है प्रभुत्व रूप से जो संपन्न वाला जो शब्द है उसको, लेकिन फिर भी हम अभी भी हम डिपेंड है, विश्व बैंक पर डिपेंड में है, संयुक्त राष्ट्र संघ से है तो अमेरिका से है तो इंग्लैंड से है। तो सत्ताधारी लोगों ने उस संविधान को सही अमल नहीं करा, कहीं ना कहीं आज भी हमारा प्रधानमंत्री जाता है अमेरिका जाता है या चीन जाते हैं जापान जाते हैं कि मुझे बुलेट ट्रेन दे दो, इजराइल जाते हैं तो मुझे हथियार दे दो। तो प्रभुत्व संपन्न कहीं ना कहीं उस शब्द को ये इतने सालों में भी मतलब उसको अमल नहीं कर पाए, तो ये इनकी नाकामी है सत्ताधारी लोगों की। जी ठीक है, अब इस पर ही हम, क्योंकि जब भी हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं कोई साधारण व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का वो मतलब अपने हिसाब से बनाता है कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है। परमानंद जी आप इसके बारे में अपने विचार रखिए। जी सर। जी मैडम, ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द संविधान का अगला शब्द है, ये शब्द के पहले जी ये संशोधित शब्द है वास्तव में, इसके पहले जो संविधान की मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, ये था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो प्रभुत्व संपन्न और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये डिफरेंस आया उसमें। तो पहले तो जो संविधान निर्माता जन उस समय प्रस्तावना निर्मित किए तो उसमें प्रभुत्व संपन्न था और बाद में संपूर्ण प्रभुत्व जोड़ा गया, और उसके आगे का जो अर्थ है आगे का जो शब्द है उसको उगे का बनाने के लिए। तो यहाँ यही सिद्ध करता है उद्देश्य हमारा कि हमारा देश जो है वो किस स्थिति में पहुंचे संविधान के निर्माण के बाद कि वो किसी पर निर्भर न रहे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हमारी किसी पर निर्भरता जो है वो समाप्त हो जाए और हम अपने आप में इतने सक्षम हो कि कोई भी बाहरी शक्ति
हमें किसी भी प्रकार से डराने धमकाने या दबाव बनाने की कोशिश न करे और हम हमारी संपन्नता मतलब राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से इतनी सक्षम हो कि उस पर हमें बाहरी शक्तियों का दुष्प्रभाव ना आए, ऐसा राष्ट्र निर्माण करने की संविधान निर्माताओं की सोच थी, इसलिए वो शब्द को जोड़ा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर उसमें एक संपूर्ण शब्द भी सरकार बाद में 42वें संशोधन से ले आई अपनी सोच के मुताबिक, तो उसको एक पूर्णता प्रदान करने के लिए। तो मेरे विचार से ये शब्द जो है हमें हमारे राष्ट्र को संपन्न और सक्षम बनाने की ओर ले जाने के लिए जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप में आया है और उसका यही अर्थ है। डॉक्टर उमेश जी, आपसे भी इस संदर्भ में थोड़ा जानना चाहेंगे। डॉक्टर उमेश जी, जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक म्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट है। प्रभुत्व संबंध का मतलब ये समझता हूं मैं कि जो भी सरकार है वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। इतना ही मैं समझता हूं कि आपके जो निर्णय है आप खुद ले सकते हैं, आंतरिक हो या बाहरी हो। ठीक है वानखेड़े जी, इतना और इसमें समझने का प्रयास करना चाहेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ जैसा सबसे हमने समझा कि हमें कोई विदेशी या बाहरी ताकत के अधीन नहीं है, तो क्या केवल विदेशी ताकतों के अधीन ना रहना ही संपूर्ण प्रभुत्व है? नहीं नहीं नहीं, क्या होता है मैडम, जिसको रिपब्लिक मतलब गणतंत्र का मतलब ही जो ये ऑब्जेक्टिव है ना, इसका मतलब है कि आने वाले जो शब्द है ना आगे वाले, उसको फुलफिल करने के लिए हम सारी सक्षम होना चाहिए। जो आगे जो शब्द आएंगे ना इस लाइन के आगे जो है स्वतंत्रता समता बंधुत्व न्याय ये सारी चीजें है, इसको फुलफिल करने के लिए डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो सभी तरह की जो बातें आ गई ना। तो ये बातें ऐसी क्यों आई, तो पहले क्या होता था कि फिर अभी वो बहुत सारी बातें आती है ना शिक्षा के लिए क्या सक्षम है लोग नहीं है, वो सारी जो चीजें हैं कुल मिला के ये उद्देश्य निर्धारित मतलब इसकी ये फुलफिल करना है, बनाने के लिए है ना, मतलब फुलफिल करना है, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं। केवल ये मतलब नहीं है कि बाहरी शक्ति है, बाहरी शक्ति का भी नहीं है ना, यहाँ तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात है ना, सहायता देना होता है सहायता लेना भी होता है अगर उसके परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो। लेकिन किस लिए कैसे जो शब्द प्रयोग होते हैं, क्या उसको मॉरेलिटी क्या है, जो विदेश का संबंध क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, पॉलिसीज क्या होना चाहिए, नीति क्या, ये बहुत सारी बातें आती है कुल मिला के उस रेफरेंस में है वो। तो मतलब इसमें मूल भावना है रिपब्लिक का, जो अभी विनायक शाह जी या साहू जी ने जो बताया, हम डेमोक्रेसी को तो अपना रहे हैं और रिपब्लिक को भी अपना रहे हैं, गणतंत्र अपना रहे हैं, लेकिन इसमें जो बाधाएं हैं, भारत को उस तरह की हैबिट्स नहीं है और अन्य देशों में ये प्रयोग ये सैद्धांतिक प्रयोग किए गए हैं, तो वहां क्या असफलताएं हुई है, उसको ध्यान में रख के वो फ्यूचर की प्लानिंग और योजना का ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है इस रेफरेंस में। अगर उसको हम समझते हैं देखते हैं या संविधान सभा के निर्माण में उस समय उन्होंने जो किया इसलिए वो शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है जी। तो आज के जो एपिसोड में हमने उद्देशिका के महत्व को समझा और उद्देशिका के कुछ शब्दों की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। तो प्रस्तावना संविधान का प्रतिबिंब बताती है, तो उसको समझने के लिए हमें ज्यादा चर्चा विमर्श की आवश्यकता होती है, जिसे हम आने वाले समय में और अधिक करेंगे। अभी समय की मर्यादा को देखते हुए आज के एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं और आज के एपिसोड में जुड़ने वाले सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागणों, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े जो भी देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। तो आज हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद।